इसमें इसमें जो है ना, मेरा मेरा सिर्फ ये बोलना है कि कॉर्पोरेशन का जो हिसाब किताब है वो अप्रैल से सितंबर और फिर अक्टूबर से मार्च चलता है। अगर हम अप्रैल से सितंबर तक माफ किए तो 6 महीने का माफ होगा, और अगर हम किसी की नकल कर भी रहे हैं तो अगर अकल से करो तो उससे अच्छा करने की कोशिश करो। अगर वो 3 महीने ही करे तो हम 6 महीने ही करो। भिवंडी से ज्यादा गरीब लोग मालेगांव में रहते हैं। आज की महासभा ऑनलाइन हुई और इस महासभा में लगभग सभी को बोलने दिया गया, इसके लिए मैं प्रशासन का और महापौर का शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर बरसरे इक्तदार ने अपनी धांधली से अली अकबर हॉस्पिटल पे हमने ऑब्जेक्शन लिया हुआ था पहले से, और उस ऑब्जेक्शन से हमने ये बोला हुआ था कि वो शासन निर्णय के खिलाफ है। और कोरोना जैसी महामारी के वक्त कोई भी महामारी जब चलती है, अगर कोई सैलाब आता है या कोई बात होती है तो यानी जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम नदी को कैसे सुधारें कि पानी कम आए या सैलाब ज़्यादा ना हो या सैलाब का खतरा कम से कम हो जाए। वैसे ये महामारी जब पूरी दुनिया में चल रही है तो हर शहर में हर इक्तदार में बैठा हुआ आदमी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या लोकल बॉडीज़ हो, वो ये सोचती है कि वो हॉस्पिटल कैसे अच्छा बना ले, हॉस्पिटल को कैसे बड़ा कर ले। मगर हमारे वहाँ का जो बरसरे इक्तदार है कांग्रेस और शिवसेना का, वो हर वक्त बदउनवानी करने की उनकी जो नीयत होती है, वो अली अकबर हॉस्पिटल में पीछे जो 13,000 स्क्वायर फीट जगह है जो कि प्रशासन ने हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ने 7 रूम वहाँ मंजूरी के लिए भेजा है 1.5 साल पहले से, जिसमें लैब और दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ पर वो ना बनाते हुए वॉल कंपाउंड से घिरा है। ये बोलते हैं कि वहाँ अतिक्रमण है, ये बिल्कुल झूठ बात है। वो पूरा अली अकबर वॉल कंपाउंड से घिरा हुआ है और वॉल कंपाउंड के अंदर जो जगह है 13,000 स्क्वायर फीट, वहाँ पर केबिन बनाने को मंजूरी दी है, जो कि शासन का 25 मई 2018 का शासन का GR है, जो पर्पज़ के लिए जो जगह है उसको उसी पर्पज़ में इस्तेमाल करना चाहिए, और वो हॉस्पिटल का पर्पज़ है। हमारा सिर्फ बोलना है कि इनका सोचने का तरीका कैसा होता है कि हॉस्पिटल बीमारी के वक्त तो इनको ये सोचना चाहिए था कि आज हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत है, मगर ये शॉपिंग की ही बात सोचे। मगर हम उसको विखंडित करवाने के लिए भेजेंगे, जैसे पीछे बुलंद इकबाल साहब के टाइम 56 ठहराव भेजे। दूसरी बात, आज एक अहम विषय था घर पट्टी नल पट्टी मालेगांव शहर की माफ़ करना। ये विषय हमारे साथ, मालेगांव शहर ऐसा शहर है जिससे पूरा महाराष्ट्र सीखता या सोचता, मगर अब हमारी ऐसी हालत हो गई है बरसर इक्तदार की कि भिवंडी में जो होता है उससे हम सीख रहे हैं, मगर वो नकल भी हम अकल से नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भिवंडी आलू ने जब खाना दिया तो मालेगांव बरसर इक्तदार को सूझा कि वो भी खाना दे, मगर उसमें फेल हो गए। भिवंडी आलू ने खाना सप्लाई किया लॉकडाउन के दौरान, मगर मालेगांव में नहीं दिया गया, कोशिश की गई क्योंकि नकल अकल से नहीं की जा रही थी। और आज भिवंडी आलू ने अगर 3 महीने की घरपट्टी नलपट्टी माफ़ की है तो हम किसी की नकल अगर करने जाएंगे तो उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और मेरा ये बोलना था कि अप्रैल से सितंबर तक की घरपट्टी नलपट्टी माफ़ की जाए, उसके पीछे वजह है कि डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो हाफ ईयर का अपना एक ऑडिट और काम काज करता है। तो अप्रैल से सितंबर ये एक हाफ ईयर होता और अक्टूबर से मार्च, तो हमारा गठबंधन का यही बोलना था और मुफ्ती साहब से भी हमारी बात हुई थी कि 6 महीने के लिए माफ़ी करना चाहिए क्योंकि भिवंडी से ज़्यादा मालेगांव शहर में गुर्बत है। और 6 महीने की माफ़ी में डिपार्टमेंट के लिए भी ये सहूलत होती कि हिसाब किताब आसान होता और शहरियान को भी भरने के लिए आसान होता कि वो अपने तौर पर उसको आधा करते और भर दिया जाता, मगर वो बात भी हमारी नहीं सुनी गई और नकल की गई, वो भी बेअकली से। तीसरी बात ये थी कि एक नगर उत्थान से 50 लाख रुपया झाड़ और इसके लिए मंजूरी की बात आई, तो उस पर भी हमने बोला, आमीन कारपोरेटर ने बोला, मिल्लत मदरसे के पास 85 लाख रुपये का गार्डन, अमृत योजना के हमारे शहर में 5 करोड़ रुपये आए, उसके मातहत 9 से 10 गार्डन बने। आज मालेगांव शहर का कोई आदमी या कोई मीडिया मुझे ये बता दे कि 5 करोड़ के गार्डन में वो जाकर कोई फ़ोटो शूट भी किए हो तो, ऐसा गार्डन भी नहीं बनाया गया कि वहाँ जा कर कोई फ़ोटो निकाल सके। आज ये मोबाइल का दौर है, सेल्फी का दौर है, यानी इतनी ख़राब क्वालिटी का है। तो उस पर भी हमने ये कहा कि यार उस पर इंक्वायरी लगाई जाए, मगर वो बात भी नहीं सुनी गई, जबकि अमृत योजना के 5 करोड़ को मालेगांव शहर में ज़ाय किया गया, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। 50 लाख रुपये के झाड़ ये पूरे शहर में लगाने की बात थी, उस पर मंजूरी पे हमारा एतराज़ नहीं था, मगर पीछे जो गलती हुई है
उसको सुधारे बगैर अगर आगे करेंगे तो आगे वो 50 लाख रुपए के झाड़ कहाँ जाएंगे, ये शहरियान को नजर भी नहीं आएगा, जिस तरह से 5 करोड़ के अमृत योजना के गार्डन नजर नहीं आएंगे।